हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एक और बार आपके लिए जेब्रोनिक्स के न्यूली लॉन्च्ड टावर स्पीकर की वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये है जेब्रोनिक्स हैमर। एंड दोस्तों, ये जो मॉडल है ना, 160 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ हमें देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, इस मॉडल की वीडियो भी एक्सक्लूसिवली हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सर, इस बात के लिए वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सर, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी में भी साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखाने वाले, साथ में दोस्तों हम डिजाइन को काफी डिटेल में दिखाएंगे, साथ में दोस्तों हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों यार, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा जेब्रोनिक्स हैमर टावर स्पीकर का बॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉक्स को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ में हमें हैमर के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है, यानी कि हथौड़ा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर भी मेंशन करा हुआ हमें मिलता है, जेब टावर स्पीकर BT702RUCF। मॉडल नंबर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं जेब्रोनिक्स के, सो इसका भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नीचे से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मॉडल का जो डिजाइन है वो पूरा बना हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों देखिए, हमें थोड़े फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है, जैसे कि इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल वायरलेस माइक भी हमें मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर डिजाइन में दे भी रखे हैं, तो ये चीज बढ़िया कर रही है। साथ में दोस्तों हमें देखिए, सबवूफर जो इसका मिलता है वो 25.4 सेंटीमीटर का मिल जाता है। 2 सबवूफर मिलते हैं, यानी कि एक इस टावर स्पीकर पे, एक इस टावर स्पीकर पे है। दोस्तों, हमें वॉल्यूम बेस ट्रेबल कंट्रोल भी मिल जाते हैं, 3-way डिजाइन हमें मिलता है, रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी हमें इस बार मिला हुआ है जो कि हमें पार्टी स्पीकर्स पर देखने को मिलता था, पावरफुल बेस भी मिल जाता है। अब पावरफुल बेस का तो दोस्तों जब हम इसे टेस्ट करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट में बता पाएंगे। अब देख लेते हैं बॉक्स के इस साइड पर हमें क्या चीजों के बारे में मेंशन करा हुआ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर आउटपुट्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस पर हमें 160 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है जो कि काफी तगड़ा है। साथ में दोस्तों हम इस पर 32GB तक का SD कार्ड एंड USB यानी कि पेन ड्राइव को लगा पाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट के डायमेंशंस भी हमें यहां पर मेंशन करे हुए मिल जाते हैं, बट यार ये चीज तो हम आपको पूरी नाप के दिखाएंगे अच्छी से। एंड देखिए, हमें वेट भी मेंशन करा हुआ मिलता है, 7.55 kg का मिलता है विद एम्पलीफायर, एंड विदाउट एम्पलीफायर जो है दोस्तों इसका वेट 7.1 kg का है। एंड यहाँ पर देखिए, थोड़े से फीचर्स के बारे में और मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है, जैसे कि ऑक्स, USB, माइक्रो SD, FM, रिमोट कंट्रोल, डुअल माइक्रोफोन, इनपुट जैक्स, LED डिस्प्ले, ग्लॉसी फिनिश एंड कैरियोके। तो ये सारे फीचर्स का हमें इस पर सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि यार इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स पर जो इसकी MRP दे रखी है ना, वो काफी ज्यादा है, 18,999 rupees। बट दोस्तों यार, आपको ये टावर स्पीकर केवल 15,500 में मिल जाएगा। कहां पर? गुप्ता रेडियोस पर। अगर आपको ये टावर स्पीकर परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 1,000 rupees एडवांस डालनी पड़ेंगे, बाकी की पेमेंट आपको तब करनी पड़ेगी जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, यानी कि COD की फैसिलिटी भी गुप्ता रेडियोस की तरफ से हमें देखने को मिल जाती है। एंड देखिए यार, MRP इसकी 18,999 rupees है, बट गुप्ता रेडियोस पर केवल आपको 15,500 में ये मिल रहा है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में गुप्ता रेडियोस के फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मेंशन कर दूंगा, अगर आपको परचेस करना होगा तो जरूर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों यार, वहां पर डिलीवरी जो स्टार्ट होगी वो दिवाली के बाद ही होगी। अगर आपको बुक कराना है तो आप बुक करा सकते हैं, डिलीवरी दिवाली के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बॉक्स मैंने आपको काफी डिटेल में दिखा दिया है, अब इसे अनबॉक्स करते हैं एंड आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स के कंटेंट को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर कॉर्ड इस पर मिल जाती है, पावर कॉर्ड की दोस्तों क्वालिटी हमें बढ़िया मिल जाती है। दोस्तों, हमें 2 वायरलेस माइक भी बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। ये चीज जेब्रोनिक्स सबसे बेस्ट करता है, क्योंकि दोस्तों यार और ब्रांड की अगर हम बात करें तो हमें सिंगल ही वायरलेस माइक देखने को मिलता है, बट दोस्तों जेब्रोनिक्स में हमें 2 वायरलेस माइक मिल जाते हैं, एंड क्वालिटी भी दोस्तों बढ़िया हमें मिल जाती है। देखिए, यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है,
नीचे से देखिए हमें जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी इन पर मिल जाती है। टेस्ट करके दिखाएंगे इन्हें आपको अच्छे से। अभी दोस्तों हमें RCA 23.5 mm केबल भी मिल जाती है। इस केबल के थ्रू दोस्तों हम अपने टावर स्पीकर को टीवी पीसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें इस पर FM एंटीना केबल भी मिल जाती है, साथ में हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। सो हम अपने टावर स्पीकर को रिमोट कंट्रोल से भी पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों रिमोट कंट्रोल पर हमें बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। दोस्तों इस बार हमें जेब्रोनिक्स ने भी इको एंड माइक की वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी रिमोट कंट्रोल पर दे दिए हैं। ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। सो आप माइक को भी रिमोट कंट्रोल से ही एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में देखिए हमें इक्वलाइजर का बटन भी मिल जाता है, यानी कि इस पर हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर का बटन भी मिल जाता है। सो हम अपने टावर स्पीकर को दोस्तों रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी रिमोट कंट्रोल की हमें बढ़िया मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको टावर स्पीकर को डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए यार सबसे पहले इनका डिजाइन इस बार कितना बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। मतलब डिजाइन में जेब्रोनिक्स ने बहुत अच्छा काम करा है एंड डिजाइन वाइज दोस्तों ये बढ़िया हमें मिल रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज दोस्तों इनकी जो लग रही है ना हमें, वो यहाँ पर देखिए आधे तक इन्होंने ग्लॉस पैनल दे रखा है। बहुत प्रीमियम डिजाइन हमें मिल रहा है। साथ में दोस्तों नीचे से हमें देखिए वुडन का टेक्सचर इस पर दे रखा है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। सो डिजाइन वाइज बढ़िया लग रहे हैं। मतलब 15,500 के ये टावर है, उस हिसाब से डिजाइन इनका बढ़िया दे रखा है एंड थोड़ा यूनिक भी है। अगर हम जेब्रोनिक्स के पुराने मॉडल के हिसाब से देखें तो डिजाइन वाइज ये थोड़े से अलग भी करे हैं। तो चलिए अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ्रंट साइड को डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए टॉप पर हमें दोनों पर ट्विटर मिल जाते हैं एंड इनके मैं आपको इंचेस बता देता हूँ। दोस्तों इन पर हमें 2.54 सेंटीमीटर के ट्विटर मिल जाते हैं दोनों टावर स्पीकर पर। एंड अगर मैं मिड रेंज की बात करूं तो देखिए मिड रेंज भी हमें सामने की तरफ से ही मिल जाते हैं एंड इनके इंचेस भी मैं आपको बता देता हूं, 10.16 सेंटीमीटर के हमें मिड रेंज ड्राइवर्स इस पर मिल जाते हैं। अब यार जेब्रोनिक्स ने इस बार इंचेस पे ही नहीं बताए हैं, सेंटीमीटर में बताए हैं। सो उस हिसाब से हमें आपको सेंटीमीटर में बताना पड़ रहा है। एंड देखिए नीचे से हमें दोनों टावर स्पीकर पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, ये भी बढ़िया लग रही है। साथ में देखिए दोस्तों हमें नीचे से बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों दोनों टावर स्पीकर के साइड से हमें सबवूफर मिल जाते हैं। अब मैं आपको इनके इंचेस भी बता देता हूँ, सेंटीमीटर में दे रखे हैं ये भी। दोस्तों 25.4 सेंटीमीटर के हमें दोनों टावर स्पीकर पर सबवूफर मिल जाते हैं। दोस्तों इन्हें ओपन करके भी एक बार आपको दिखा देते हैं। आई थिंक ये 10 इंच के हैं, बहुत ब्रॉड दे रखे हैं। ये देखिए गाइस 10 इंच के हमें सबवूफर मिल रहे हैं। इस पे बहुत बढ़िया बेस क्वालिटी तो हमें मिलने वाली है, देखेंगे परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। अब दोस्तों हम दोनों टावर स्पीकर के बैक साइड को डिटेल में दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा मेन यूनिट, तो इस पर हमें देखिए पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा पहले डिटेल में दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि जो हमारा दूसरा टावर स्पीकर है वो यहीं पे कनेक्ट होगा। देखिए इसकी जो वायर दे रखी है ये भी काफी लंबी दे रखी है एंड इसकी दोस्तों जो क्वालिटी है वायर की वो भी हमें काफी बढ़िया मिल जाती है। मतलब FND के टावर स्पीकर पर भी हमें कुछ इसी तरीके की क्वालिटी की वायर देखने को मिलती है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगेगी ये। देखिए आउटपुट पोर्ट हमें मिलता है, इस पर ये लग जाएगी कुछ इस तरीके से। साथ में दोस्तों देखिए हमें ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, यानी कि RCA 23.5 mm केबल हमारी यहीं पे कनेक्ट होगी। एंड हमें FM एंटीना पोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि इस पर हमें FM का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमें इस पर पावर कॉर्ड के लिए भी पोर्ट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हमारी पावर कॉर्ड कनेक्ट होगी एंड नीचे से देखिए पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। तो दोस्तों मेन यूनिट के बैक साइड पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है एंड देखिए टॉप पर हमें स्पीकर को होल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से पोर्शन दे रखा है। देखिए मतलब कैरी करने में आसानी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करूं मैं सेकंड यूनिट की, तो देखिए इस पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, केवल वायर देखने को मिलती है जो कि हमारे मेन यूनिट पर कनेक्ट होगी एंड मैंने आपको ये कनेक्ट करके दिखा दी है। अब दोस्तों मैं पावर कॉर्ड को भी एक बार आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं, ताकि कनेक्टिविटी वाला पार्ट जो हम अलग से करते हैं वो भी इंक्लूड इसी में हो जाए। तो दोस्तों इसे हम ओपन कर लेते हैं आपके सामने ही। अब देखिए पावर कॉर्ड वाला पोर्शन जो है हमारे पावर कॉर्ड वाले पोर्ट पे लगेगा कुछ इस तरीके से एंड ये चीज दोस्तों हमारे मेन यूनिट यानी कि मेन सॉकेट पे कनेक्ट होगी। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसे आराम से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों हम दोनों टावर स्पीकर के आपको इस साइड से डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए सेकंड यूनिट पर तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ये ब्लैंक है। एंड अगर हम बात करें मेन यूनिट की, तो दोस्तों इस साइड पर देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं,
नोब मिल जाती है वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए ही नोब इस पर मिल जाती है एंड ये काफी बढ़िया लग रही है। साथ में देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि मोड का बटन, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन हमें इस साइड से मिल जाते हैं। दोस्तों माइक की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन हमें मिल जाते हैं, मतलब रिमोट कंट्रोल पे भी दे रखे हैं एंड साइड से भी दे रखे हैं, तो ये चीज बढ़िया लगी है। साथ में देखिए हमें माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्लॉट भी मिल जाता है, साथ में हमें यूएसबी के लिए पोर्ट इस पर मिल जाता है एंड हमें ऑक्स के लिए भी अलग से दोस्तों पोर्ट इस पर मिला हुआ है। एंड नीचे से भी देखिए दोस्तों हमें कुछ बटन और मिल जाते हैं, यहाँ पे से हम इको को एडजस्ट कर सकते हैं यानी कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साथ में हम बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये चीज बहुत बढ़िया है। अगर मे भी आपके रिमोट कंट्रोल चलना बंद कर दे तो आप क्या है कि इसे साइड से ऑपरेट कर पाएंगे, माइक की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाएंगे, साथ में बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये चीज जेब्रोनिक से बढ़िया दे रखी है। साथ में दोस्तों हम टू वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर पाएंगे, तो यार ये चीज भी मुझे बढ़िया लगी है। देखिए टू तो हमें वायरलेस माइक इस पर मिल ही रहे हैं, साथ में आप टू वायर्ड वाले माइक भी कनेक्ट कर पाएंगे। एंड दोस्तों हमें पूरा वुडन का कैबिनेट इस पर मिल जाता है, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चेक करा के। बहुत अच्छी क्वालिटी के दोस्तों ये टावर स्पीकर है, आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। साथ में देखिए दोस्तों टॉप पैनल पर भी हमें वुडन का टेक्सचर ही इस पर मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। एक बार दोस्तों हम इसके नीचे से भी आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए छोटे छोटे से हमें रबर पैडिंग इस पर मिल जाती है, मतलब छोटे स्टैंड ही कहेंगे हम, जिससे हम इसे इजीली प्लेस कर पाएंगे। देखिए स्टेबल प्लेस हो जाएगा ये, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर भी आपको। सो सबसे पहले इसे कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसका डेमो देते हैं। तो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाना भूल गया था, सो सबसे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं फिर इसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे की साइड को नाप लेते हैं दोस्तों, ये है 6 इंच की आगे की साइड एंड अब हम इस साइड से नाप लेते हैं, देख लेते हैं कितने इंच की है। ये है दोस्तों पूरी 1 फुट की, देखिए। अब दोस्तों हम इसकी हाइट नाप लेते हैं, दोस्तों ये है हमारा 2 फुट 10 इंच की, 10.5 इंच भी बोल सकते हैं वैसे, इतनी इसकी हाइट है। तो मेजरमेंट काफी बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करते हैं, बट दोस्तों जैसे ही हमने इसे पावर के साथ कनेक्ट करा, देखिए साइड से जो बटन्स पे लाइट है वो जलने लग गई है, जो बढ़िया लग रही है, मतलब देखने में काफी बढ़िया लग रही है, मतलब आप इसे अंधेरे में भी यूज कर पाएंगे बिना लाइट के। तो इसे सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों सामने की तरफ से हमें इस पर एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। सो अब हम सबसे पहले आपको इसकी टॉप वॉल्यूम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों इस पर हमें 60 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। साथ में दोस्तों हम बेस एंड ट्रेबल को रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइनस में कितना जाता है ये। तो दोस्तों ये माइनस में नहीं जा रहा है, 0 से आप 32 तक बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सही है। एक एक पॉइंट के हिसाब से आप बेस को कम बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो रहा है आप उस पॉइंट पे रखिए एंड आप ऑफ भी कर सकते हैं, 0 पे रखेंगे तो बिल्कुल बेस खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम ट्रेबल को भी 32 से 0 तक कर पाएंगे। अब दोस्तों हम इको को एडजस्ट करके देख लेते हैं रिमोट कंट्रोल पर, इसका भी फंक्शन हमें मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों इसे भी हम 32 से, ये देखिए गाइस, मतलब 0 से 32 तक के पॉइंट तक आप इको को एडजस्ट कर सकते, मतलब ये बहुत यूनिक लगा हमें। अब माइक की वॉल्यूम को भी चेक कर लेते हैं, देखिए इसे भी हम 32 से, तो दोस्तों हम माइक को भी 32 से 0 तक रख पाएंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले माइक को ही कनेक्ट करके दिखाते हैं इसमें एंड देखते हैं परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। एंड दोस्तों एक चीज और बढ़िया है, सब थोड़ा सा पास ले आइए, देखिए हम इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड के बाद प्ले भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज हमने रिकॉर्ड करी है उसे हम सुन भी सकते हैं। तो ये कैरियोके लवर्स के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है, पेन ड्राइव लगाइए, रिकॉर्ड करिए एंड उस चीज को सुन भी सकते हैं आप। तो अब दोस्तों इसके माइक को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने माइक कनेक्ट कर लिया है, देखिए मतलब बैटरी लगा दी है इसमें, ये देखिए बैटरी हमने लगा दी है, थोड़े पुराने जमाने की बैटरी है बट टेस्टिंग हो जाएगी आपकी बढ़िया करके इसके। इसे हम ऑन कर देते हैं, तो देखिए जैसे हम ऑन करेंगे रेड कलर की लाइट जलेगी, ये देखिए ब्लिंक करी लाइट। अब मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, देखिए ये कनेक्ट हो गया है। हेलो हेलो, तो दोस्तों कैसे आ रही है आवाज? साथ में हम इको को भी बढ़ा के दिखा देते हैं एक बार, तो इसे भी एक बार पूरा खोल लेते हैं मैक्स। तो देखिए दोस्तों हमने इको को भी पूरा खोल दिया है,
माइक की वॉल्यूम को भी एक बार पूरा खोल लेते हैं। तो अब तो ऐसा लगता है तगड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी, बहुत मतलब स्कूल के लिए दिया आपको या कुछ अनाउंसमेंट करनी है तो उसके लिए काफी बढ़िया होने वाला है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं तेज बोल के दिखाऊं आपको एक बार, हेलो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है तो आप थिंकिंग कर पाएंगे। देखिए गैप गैप क्या आ रहा है, हेलो। तो दोस्तों अब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। सो देखिए हमने अपने फोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं आपके सामने लाइव ही प्ले करूंगा एंड प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। कैसा लगा आपको इस मॉडल का ऑडियो परफॉर्मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यार जितना हमने ऑब्जर्व करा ना इस पर लाउडनेस काफी ज्यादा तगड़ी हमें मिल जाती है, मतलब आपके रूम के लिए ये ओवर पावर हो जाएगी, मतलब आउटडोर में भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें जितना एक्सपीरियंस हो रहा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। साथ में दोस्तों यार फुल वॉल्यूम पर आवाज इसकी नहीं फटती है ना ही बेस फटता है, क्योंकि दोस्तों हमने बेस एंड ट्रेबल फुल खोले हुए थे, साउंड भी दोस्तों इसका पूरा मैक्स खोला हुआ था, उसके बाद भी दोस्तों यार साउंड बिल्कुल नहीं फट रहा था। साथ में दोस्तों यार ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया हमें मिल रही थी एंड बेस का अगर मैं बताऊं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यार हमारा फ्लोर हल्का शेक कर रहा था, अभी तो हमें इसे पूरा 8 आवर्स तक प्ले करना पड़ेगा, बर्निंग पीरियड इसका पूरा कम्प्लीट करना पड़ेगा तभी हम आपको एग्जैक्ट में बता पाएंगे। बट यार मुझे ये ऑडियो क्वालिटी में सही लग रहा है, मतलब काफी तगड़ा लग रहा है। 15,500 में इस मॉडल पर जो ऑडियो परफॉर्मेंस मिल रहा है वो काफी कमाल का मिल रहा है, मतलब आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों यार आज की वीडियो में हम इसका डिटेल पे तो नहीं बता पाएंगे कि यार कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है, उसके लिए हमें इसे टेस्ट करना पड़ेगा। सो डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करेगा, जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे एंड इसे हम दोस्तों काफी डिटेल पे टेस्ट करेंगे। इस पर हम ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं, साथ में हम इसे टीवी के साथ भी कनेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिल रहा है एंड हम इसे आउटडोर में भी टेस्ट करेंगे। सो डिटेल आउटडोर टेस्ट का वेट आप जरूर से करेगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मेरे को जिस तरीके का लगा वो चीज मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बताई, डिजाइन आपको काफी डिटेल में दिखाया, बॉक्स कंटेंट काफी डिटेल में दिखाया, साथ में डेमो करके दिखाया एंड फीचर्स के बारे में भी आपको डिटेल पे बताया। सो बताएगा मुझे कमेंट करके आपको ये टावर स्पीकर कैसा लगा है, 15,500 में ये ऑप्शन बढ़िया है या नहीं है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को बनाने में भी बहुत हार्डवर्क लगा है, बहुत डेडिकेशन के साथ हमने ये वीडियो बनाई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों यार आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस केवल एकेटेक चैनल पर ही देखने को मिलती है, चाहे वो T60X Pro की हो या जेब्रोनिक्स ऑक्टेव टावर स्पीकर की हो। सो हम बहुत सारे साउंड बार या टावर स्पीकर की वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं, सो यार हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाकी दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी में भी साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।